बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीडिंग सेक्शन वन टेस्ट टू और क्वेश्चन नंबर 1 to 14। फाइव रिव्यूज़ ऑफ द विलिंगटन होटल, फाइव रिव्यूज़ ऑफ द विलिंगटन होटल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। माई हस्बैंड एंड आई फर्स्ट स्टेड एट द विलिंगटन इन फ्यू ईयर्स अगो एंड वी हैव रिटर्न्ड एवरी ईयर सिंस देन। When we arrive and check in, we are always treated like old friends by the staff, so we very much feel at home. Our one disappointment during our last visit was that our room overlooked the car park, but didn't spoil our stay. ये हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन है। इसके बाद जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर लें। बाद में क्वेश्चन, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, डेट मंथ्स ईयर्स और नाउन को अंडरलाइन करना है, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है तो इसलिए हमने किसी को भी नहीं किया अंडरलाइन। ईयर्स एंड नाउन, इन सब को आप क्या करें, अंडरलाइन कर लें। नेक्स्ट पे आ जाए आप क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 है, सबसे पहले टेस्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 to 7 है। अब देखेंगे एन बी, एन बी का क्या मतलब है, नोटेबल। नोटेबल एक एक जो लाइन है उसको आप दो बार लिख सकते हैं, मतलब एक पैसेज में, सॉरी एक पैराग्राफ की जो में जो बात है वो दो, यहाँ से जो दो बातें हैं वो एक पैराग्राफ में हो सकते हैं। लाइकिंग द व्यू फ्रॉम द बेडरूम विंडो, लाइकिंग द व्यू फ्रॉम द बेडरूम विंडो। हम देखेंगे बेडरूम विंडो किधर है। We made our reservation by phone without problem, but when we arrived, the receptionist couldn't see it on the computer system. Luckily, there was a room available. It wasn't quite what we would have chosen, but it was a pleasure to sit in with a cup of tea and look out at the swimmers and surfers in the. यहाँ हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पे ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 वाला, इसका आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट पे आ जाए द फाइंडिंग द रिसेप्शनिस्ट वेलकमिंग, फाइंडिंग द रिसेप्शनिस्ट वेलकमिंग, फाइंडिंग द रिसेप्शनिस्ट वेलकमिंग। ये हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जब हम लोग वहाँ एंटर होते हैं तो क्या करते हैं, रिसेप्शनिस्ट हमें वेलकम करते हैं। व्हेन वी अराइव एट चेक इन वी आर ऑलवेज ट्रीटेड लाइक फ्रेंड्स अदर स्टाफ। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे आ जाना क्वेश्चन नंबर 2 being pleased with the bedroom। The hotel hardly seems to have changed in the last 100 years and we prefer to that to many model hotels to look the same as each other. The Wellington has character, our room was very comfortable and quite spacious. We can strongly recommend the breakfast, though we had to wait for a table as the hotel was so full. That was a bit annoying and there was also nowhere to sit in the lounge. Being pleased with the bedroom. That many modern hotels. यहाँ से हमने आंसर दिया है, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो क्या था, वहाँ पर सारा कुछ खुल था। Table and quite spacious. We can still breakfast, though we had to wait for table as the होटल वाज फुल। नेक्स्ट पे आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए, बिकमिंग कंफ्यूज्ड व्हेन बुकिंग अ रूम।
becoming confused when booking a room? The staff all did their jobs efficiently and were helpful when we asked for information about the areas. The only difficulty we had was making our reservation online. It wasn't clear whether payment for our deposit went through or not. I had to call the hotel to find out. Still, we have arrived. Everything went very smoothly and we had a delicious dinner in the restaurant. What is the answer here? Becoming confused when booking a room. Answer क्या है इसका? E. Confused किधर हुए थे? जब book room. The only difficulty यहाँ पे reservation online. Next page, being impressed by the wide choice of food. Wide choice of food. अब यहाँ पे हम D में देखेंगे food की बात किधर है. Special about the rooms, the view from the lounge is lovely and the restaurant staff were friendly and efficient. Breakfast was a highlight. There was so much an offer we could hardly decide what to eat. यहाँ पे था. आंसर क्या है हमारा यहाँ पे? डी. नेक्स्ट, स्टेइंग इन द होटल रेगुलरली. स्टेइंग इन द होटल रेगुलरली. ए. ए में फर्स्ट टू लाइंस में आपका आंसर आ रहा है. ये देख, आंसर क्या है हमारा? ए. फाइंडिंग इट इनकन्वीनियंट दैट द होटल वाज क्राउडेड. जब यहाँ पे देखें, दैट वाज अनोइंग अ बिट एंड देयर वाज आल्सो नो वेयर टू सिट द लाउंज. तो हमारा आंसर क्या है इसका? बी. अब नेक्स्ट पे आ जाएं. कम एंड प्ले वॉकिंग फुटबॉल और वॉकिंग नेटबॉल. हमारा टाइटल क्या है? कम एंड प्ले वॉकिंग फुटबॉल एंड वॉकिंग नेटबॉल. वॉकिंग फुटबॉल नेटबॉल हैव बिकम इंक्रीजिंग पॉपुलर इन रिसेंट ईयर्स बट यू डोंट नो यू कैन टेक पार्ट इन दिस एरिया. द नेम्स मेक्स इट क्लियर बट दे आर टू ऑफ द कंट्रीज फेवरेट स्पोर्ट्स वेयर इंस्टेड ऑफ रनिंग प्लेयर्स वॉक. इट्स अ सिंपल एज दैट. हम लोग क्या करें, आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेंगे. कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं? डेट्स, मंथ्स, ईयर्स एंड नाउन. इन सबको हम क्या करेंगे? अंडरलाइन कर लेंगे. आज क्वेश्चन नंबर 8 to 14 पे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. वॉकिंग फुटबॉल बिकेम वेल नोन. वॉकिंग फुटबॉल बिकेम वेल नोन व्हेन अ क्लब फीचर्ड इन अ टीवी प्रोग्राम अबाउट द स्पोर्ट. वेल नोन, क्या वो पहचाना मशहूर था या नहीं था? व्हेन अ क्लब फीचर्ड इन अ टीवी प्रोग्राम अबाउट द स्पोर्ट. टीवी प्रोग्राम किधर है? ये आ गया. वॉकिंग फुट वॉज इन्वेंटेड इन द यूके इन 2011 बट इट वॉज अ 2014 टीवी कमर्शियल फॉर अ बैंक शोइंग इट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू समवन who wanted to set up a website for the game. Walking football was not in the UK in 2011 but it was 2014 TV commercial for a bank. It providing financial support to someone who wanted to set up a website for the game. Well known when a club featured in a TV program about the sport. Sports nahi hai, jab wo game khelna chahte hain to. Answer kya hai hamara? False hai. यहाँ पे स्पोर्ट्स की जगह क्या है? गेम है. द मेजोरिटी ऑफ वॉकिंग नेट बॉल्स प्लेयर्स आर मेन. कहते हैं ज्यादा आदमी होते हैं.
द मेजोरिटी आर वॉकिंग नेट बॉल प्लेयर्स. वॉकिंग नेट बॉल प्लेयर्स, वॉकिंग फुटबॉल. ये बोथ मैन एंड वुमेन प्ले वॉकिंग फुटबॉल बट एट द मोमेंट द नेट बॉल टीम्स कंसिस्ट ओनली ऑफ वुमेन. तो हमारा आंसर क्या है, ये फॉल्स है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स और यहाँ पे कहते हैं ओनली आर मैन. नेक्स्ट पैराग्राफ, प्लेयर्स आर टेस्टेड रेगुलरली टू मेजर चेंज. नहीं, मोस्ट क्लब्स अरेंज सोशल एक्टिविटीज फॉर देयर मेंबर्स. मोस्ट क्लब्स अरेंज सोशल एक्टिविटी फॉर देयर मेंबर्स. मोस्ट क्लब्स और सोशल एक्टिविटीज यहाँ पे देखें जरा, क्लब्स एंड सोशल एक्टिविटीज. क्लब्स की बात किधर है, इधर क्लब्स की बात नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, नॉट गिवन कर देंगे. नॉट गिवन. प्लेयर्स आर टेस्टेड रेगुलरली टू मेजर चेंजेस इन देयर फिटनेस. प्लेयर्स आर टेस्टेड रेगुलरली टू मेजर चेंजेस इन देयर फिटनेस. उनको रेगुलरली टेस्ट किया जाता है देयर फिटनेस. प्लेयर्स किधर है, प्लेयर्स. मैनी प्लेयर्स हैव गिवन अप अ स्पोर्ट आइदर थ्रू चेंज और इंजरी एंड कैन नॉट टेक अप अगेन. यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है. तो हमारा आंसर क्या है, ये नॉट गिवन है. नेक्स्ट वेंद्रा, पीपल हु हैव नेवर प्लेड फुटबॉल आर इनकरेज टू प्ले वॉकिंग फुटबॉल. जिन लोगों ने कभी भी फुटबॉल नहीं खेला आर इनकरेज टू प्ले वॉकिंग. क्या उनको वॉकिंग फुटबॉल के लिए इनकरेज किया जाता है या नेट बॉल के लिए इनकरेज किया जाता है. पीपल यहाँ पे आ गया हमारा आंसर. पीपल हु हैव नेवर प्लेड द स्टैंडर्ड गेम बिफोर आर ऑलवेज आर आल्सो वेलकम, वेरी वेलकम. दो पीपल हु हैव नेवर प्लेड द स्टैंडर्ड गेम बिफोर आर आल्सो वेलकम. मेनी प्लेयर्स हैव गिवन अस अ स्पोर्ट आइदर थ्रू एज और इंजरी एंड कैन नॉट टेक अप अगेन. दे आर ग्रेट वेज फॉर पीपल टू एंजॉय स्पोर्ट्स दे यूज टू प्ले एंड लव कीप एक्टिव एट द सेम टाइम. दो पीपल हु have never played the standard game before are also welcome. तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे, स्टैंडर्ड गेम कौन सी है, वॉकिंग फुटबॉल. तो हमारा आंसर क्या है, ट्रू है. people can take part in the active lifestyle teams association whenever they wish. जब वो चाहे उसमें एडमिशन ले सकते हैं एक्टिव लाइफस्टाइल टीम्स. एक्टिव लाइफस्टाइल टीम्स लोकल काउंसिल एक्टिव लाइफ स्टाइल जिम रन सेशंस एट ऑल काउंसिल्स लीयर सेंटर्स. कम अलोन और विद अ फ्रेंड एंड एंजॉय अ फ्रेंडली गेम ऑन मंडे और सैटरडे आफ्टरनून और ट्यूजडे और थर्सडे इवनिंग. ईच सेशन को एंड एंजॉय फ्रेंडली गेम्स ऑन मंडे और सैटरडे आफ्टरनून और ट्यूजडे और थर्सडे इवनिंग. ईच सेशन का and you don't have to come regularly at the same time each week. People can take part in the active lifestyle team session whenever they wish. Answer kya hai, ye true hai, jab chahe wo isme admission le sakte hain. The active lifestyle team intends to start clubs in the future. Unhone kya socha usko future mein open karne ka. Each session cost 3% and you don't have to come regularly at the same time each week. Our aim is to set up netball football clubs as soon as there are enough regular players. As soon as jitni jaldi players aa jaye. Tumhara answer kya hai yahan pe, true hai. Ye tha hamara question number 8 to 15 14. Aap mere channel ko like kare, subscribe kare aur apne friends ko share kare. Shukriya.